मेरी गहरी आई हो। कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। एक और एडवेंचर पर हम निकल चुके हैं। अच्छा, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स से सारे हैं और हम जा रहे हैं बाबा के धाम केदारनाथ। एडवेंचर है, उसका पूरा जानकारी दूंगा मैं। लास्ट आपने देखा था, मैं हमका फास्ट ट्रैक पे गया था। ये विशाल है, मेरा दोस्त, स्कूल फेलो गाइस। और फाइनली मोटा हिमाचल जा रहा है ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग मतलब बहुत टाइम से हमने सोचा था केदारनाथ जाएंगे, बस इस साल हमारा लग गया अक्टूबर में। अभी ठंड भी हो जाती है, बर्फ भी होने लगती है। बाकी हम बस से नहीं जा रहे, हमने गाड़ी करा है हरिद्वार तक ला करके। वहाँ से फिर सुबह हमारी गाड़ी मिलेगी और वहाँ से हम गोवा में केदारनाथ बद्रीनाथ पूरा कराएंगे। तो अभी एबीएस स्टॉप जा रहे हैं, जहाँ से हमें गाड़ी हरिद्वार की मिलेगी। चलो। हेलो दोस्तों, फाइनली हम बैठ गए हैं गाड़ी में। ये ऑल्टो गाड़ी है। एक्चुअली ब्लाबला एक ऐप है जिससे हमने ये गाड़ी बुक किया है। ब्लाबला एक इज़ लाइक जैसे कारपूल होता है ना, जैसे मैं हूँ और मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ, मेरी पर्सनल गाड़ी है, और मैंने उसमें डाल दिया ऑप्शन में कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को, उससे मेरा खर्चा निकल जाता है आने जाने का। तो वैसे ये भी जिनकी गाड़ी है वो भी हमें ले जा रहे हैं। वो एयरफोर्स में है और हमने 2200 रुपये ने दे रहे हैं सब मिलाकर, और ये हमारे द्वार छोड़ देंगे। ये हम मेरठ आ चुके हैं अभी। बाकी चलो, यहाँ से फिर हम हरिद्वार पहुँचेंगे। वहाँ से हमने गाड़ी बुक किया है इटियोस सर्विसेज, वो हमें हरिद्वार से फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ कवर करवा देंगे, वो 16,500 रुपये में। और हमारा टोल कहीं पे भी नहीं लगा, क्योंकि जिनकी गाड़ी है वो एयरफोर्स में है तो उनकी आईडी से तो उनको छूट मिला हुआ है। जो भी डिफेंस में उनको छूट मिलता है टोल प्लाजा पे, तो वहाँ पे हमें कहीं पे भी टोल नहीं लगा है। और ये हम एक ढाबे पे रुके हैं कि बहुत टाइम से चल रहे हैं, थोड़ा खा पी लें, भूख लगी है सभी को। तो एक झिलमिल के ढाबा है, ढाबा आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इन रास्तों पर। और जो पहले टाइम लगा करता था हरिद्वार के रास्ते पे, अब नहीं लगता, क्योंकि जब से मेरठ और दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे बना है तब से बहुत ही नज़दीक हो गया है। और कुछ यहाँ पे खाना आ चुका है, चलो खाते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this. Guys, I'm finally हरिद्वार पहुंच गए हैं। इधर ही हमको उतार दिया भैया ने, और यहाँ अमरपुर घाट है। यहाँ से हम पैदल ही रेलवे स्टेशन रोड पे चले जाएंगे। वहाँ पर देखते हैं एक होटल, ऑनलाइन तो देखा था हमने, उधर ही जाके देख लेंगे। हर हर गंगे, वाओ, एक इतना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, देखना अद्भुत। हरिद्वार को भी वो काफ़ी सुंदर बना दिया है। हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट। गाइज, हमने अपना सामान होटल पे रख दिया है। होटल हमें 800 रुपये में मिल गया। और ये हम हर की पौरी आ गए हैं। यहाँ पे अभी स्नान करेंगे गंगा जल में, और उसके बाद फिर खाना वाना खा के होटल जाएंगे।
फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ, हम लोग आ गए हैं अपने होटल रूम में और आज का दिन यहीं ख़त्म हो रहा है। और हमने गंगा स्नान कर लिया, अपने खाना वाना खा लिया बाहर ही। और जल्दी जल्दी मैं आपको, मैंने जो बताया कि हमारा केदारनाथ अचानक से प्लान हुआ है, सोचा बहुत टाइम पहले ही था। अरे तुम साल, और कल मॉर्निंग में हमें स्टार्ट करना है, 6 बजे हम यहाँ से निकल देंगे। हमने गाड़ी बुक करा है एजेंसी से एटियोस, जो हमें डायरेक्ट केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों कराएगा उन्होंने। बाकी जो आप नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो तो आपको बस स्टैंड जो है हरिद्वार का या रेलवे स्टेशन, उसके बाहर से आपको बसेस मिल जाएगी 3 बजे से सुबह से। पहली बस 4 बजे निकलती है, तो आप पहले ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो रेड बस से या पेटीएम से, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट आए हो तो रेलवे स्टेशन से निकलते ही बाहर में आपको गाड़ी लगी मिल जाएगी, तो उससे आप सोनप्रयाग जा सकते हो। सोनप्रयाग लास्ट है जहाँ तक तो कोई भी प्राइवेट या कमर्शियल व्हीकल जा सकती है। उसके बाद आपको 50 रुपीज़ शेयरिंग करके कौरीकुंड तक जाना होगा। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए सुबह 6 बजे। बाकी इस एपिसोड में इतना ही है, आज के फर्स्ट एपिसोड में, कि हम नोएडा से हरिद्वार आ गए। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।